दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस वीडियो में। दोस्तों, मैं आपसे तहे दिल से माफ़ी मांगना चाहता हूं कि हमारा वीडियो इतना लेट हो जाता है, लेकिन मैं भी क्या करूं, इसको एडिटिंग करने में मैं काफ़ी मेहनत करता हूं, इसलिए यह वीडियो इतना लेट हो जाता है। और आप लोग हैं कि व्यू, लाइक और सब्सक्राइब देने में भी कंजूसी कर देते हैं, तो आगे से ऐसी गलती ना करें। तो चलिए अपने वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। 15 जुलाई 2019 हमारा इसरो यानी कि इंडियन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन आंध्र प्रदेश के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया है। इस दशक का एक और ऐतिहासिक स्पेसक्राफ्ट का नाम तो शायद ही आपने नहीं सुना होगा। जी हाँ, यह है चंद्रयान 2। आज से करीब 11 साल पहले यानी 22 अक्टूबर 2008 को इसरो ने चंद्रयान 1 लॉन्च किया था। चंद्रयान 1 इंडिया द्वारा चांद पे किया गया पहला मिशन था, जो पहली बार में ही सक्सेसफुल हुआ और इस स्पेसक्राफ्ट ने चांद पर पानी की खोज की और दुनिया को यह साबित कर दिया कि हम भारतीय भी किसी से कम नहीं हैं। और अब एक बार फिर से हम चांद पर दूसरा मिशन करने वाले हैं। इस बार हम केवल चांद के ऑर्बिट में ही नहीं जाएंगे, बल्कि उसमें लैंड भी करेंगे और इसके बाद वहां अपना रोवर भी भेजने वाले हैं। ये पल हम भारतीयों के लिए एक बहुत महान पल है और इस पल को आज के इस वीडियो द्वारा अनुभव करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस नए वीडियो को। 15 अगस्त 2003 हमारे देश के उस समय के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने स्वतंत्रता दिवस की स्पीच में कहा था, चांद के क्षेत्र में भारत एक ऊंची उड़ान लेने के लिए तैयार है। मुझे यह बताने में बहुत खुशी हो रही है कि भारत चंद्रमा पर अपना अंतरिक्ष यान भेजेगा। इसका नाम होगा चंद्रयान प्रथम। और फिर इसके बाद किया गया इसरो के इतिहास का एक महान मिशन चंद्रयान 1, जिसने चांद पर पानी की खोज करके इसरो को दुनिया की सुर्खियों में ला दिया। इस मिशन के सक्सेसफुल होने के बाद भारत एक बार फिर से चांद पर मिशन करने की तैयारी में लग गया और फिर 12 नवंबर 2007 को इसरो और रशियन फेरन एजेंसी यानी रोस्कोस्मोस ने एक साथ मिलकर चंद्रयान 2 प्रोजेक्ट को करने का समझौता किया। इस प्रोजेक्ट में इसरो के ऊपर मिशन की प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और इसरो अपना खुद का ऑर्बिटर और रोवर बनाने वाला था और चंद्रयान 2 में चांद पर लैंड करने वाला लैंडर को बनाने का जिम्मा रसिया को सौंपा गया था। 18 सितंबर 2008 को इंडियन गवर्नमेंट ने इस मिशन को मंजूरी दे दी थी और फिर साल 2013 में चंद्रयान 2 का लॉन्च डेट रखा गया। लेकिन यहां पर एक प्रॉब्लम आ गई। इसरो ने अपने ऑर्बिटर और रोवर को लॉन्च डेट से पहले बनाकर अपना काम को पूरा कर दिया था, लेकिन रसिया चंद्रयान 2 के लिए लैंडर को समय पर नहीं बना पाया और इस वजह से मिशन को 2016 के लिए पोस्टपोन कर दिया गया। 9 नवंबर 2011 रोस्कोसमोस ने अपने एक स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया था जिसका नाम था फोबोस ग्रांट यानी फोबोस ग्राउंड। यह एक लैंडर था। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य था मंगल ग्रह के एक नेचुरल सैटेलाइट फोबोस पर लैंड करना और उसके सैंपल्स को यहाँ धरती पर वापस लाना, जिससे हम उसकी पढ़ाई कर सकें। लेकिन इस मिशन में रसिया का रॉकेट लॉन्च सिस्टम फेल हो गया और रसिया के इस मंगल मिशन फेल होने की वजह से वह चंद्रयान 2 प्रोजेक्ट से हट गया, क्योंकि फोबोस ग्रंट मिशन में जिस तकनीक का उपयोग किया गया था उसे ही वह चंद्रयान 2 के लैंडर पर यूज़ करने वाला था और रसिया के अनुसार उनके लिए यह तकनीक नाकामयाब साबित हुई और उन्होंने खुद को चंद्रयान 2 के लैंडर को बनाने में असमर्थ ठहरा दिया। अब इसरो ने भी यह डिसाइड कर लिया था कि अब यह मिशन भी पूरी तरह से वो खुद ही करेगा। चंद्रयान 2 भी हमारे स्वदेशी तकनीक द्वारा बनाई गई स्पेसक्राफ्ट है। इस मिशन का अनुमानित बजट है करीब 978 करोड़ रुपए।
इस मिशन में लगभग 2500 वैज्ञानिक थे, जिसमें 70% वैज्ञानिक 35 साल से भी कम उम्र के थे। और इस मिशन में हम GSLV रॉकेट के जरिए करीब 3877 किलोग्राम वजन को हम चांद की ओर भेज रहे हैं, जिसमें तीन चीज़ें हैं, जिसमें पहला है ऑर्बिटर, जिसका वजन है तकरीबन 2379 किलोग्राम, जो चांद के ऑर्बिट से हमें सारी जानकारियां देगा। दूसरा है विक्रम लैंडर, जो करीब 1471 किलोग्राम के भार का है। और तीसरा है प्रज्ञान रोवर, जिसका वजन है 27 किलोग्राम और यह सोलर पैनल की ऊर्जा से चलेगा। इस रोवर की सामने की ओर 2 1 मेगापिक्सल के स्टेरोस्कोपिक 3D विजन कैमरा लगे हुए हैं। इसके जरिए हम चांद की सतह के 3D इमेजेस को देख पाएंगे। ये रोवर सारी डेटा लैंडर को भेजेगा और लैंडर यहाँ धरती में हमारे स्पेस सेंटर में भेजेगा। चूंकि ये रोवर सोलर पावर्ड है, इस कारण से यह करीब एक फुल ल्यूनर डे, जो कि करीब 14 अर्थ डेज के बराबर होती है, बिना रुके चलेगा। और फिर 14 रातों के पार होने के बाद वापस फिर से कंट्रोल किया जा सकता है, जिस तरह से इसरो लगातार कामयाब मिशंस कर रहा है। वो दिन दूर नहीं जब इसरो भी खुद के मैंड स्पेस मिशन भी करेगा। गगनयान, जो कि साल 2021 के अंत तक लॉन्च किया जाना है, यह भारत का पहला मैंड स्पेस मिशन होगा और इंडिया खुद का स्पेस स्टेशन बनाने में लगा है। आज भारत ने हर एक क्षेत्र में बड़ा मुकाम हासिल किया है। जो कभी अंग्रेजों का गुलाम था, आज उसी देश के पास अंग्रेज अपने सैटेलाइट्स को लॉन्च कराने के लिए आते हैं, क्योंकि कम बजट में सटीक काम करना हम इंडियंस की खासियत है। चलिए अब जानते हैं कि भारत को क्यों लग रहा है इतना समय चांद पर पहुँचने में। अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि चांद पर सीधे भी तो भेज सकते हैं, तो फिर इतना घुमा क्यों रहे हैं इस रॉकेट को। यहाँ इसरो के पूर्व वैज्ञानिक विनोद कुमार श्रीवास्तव ने बताया है कि अमेरिका, रूस और चीन की तरह भारत भी चंद्रयान 2 को सीधा चांद पर भेज सकते हैं, लेकिन इसके लिए ज़्यादा ताकत भर रॉकेट की ज़रूरत पड़ेगी। साथ ही चंद्रयान 2 में ज़्यादा ईंधन की ज़रूरत पड़ती है, इसके लिए उसके आकार को बढ़ाना पड़ता। लेकिन इसरो वैज्ञानिक यान को पृथ्वी के चारों तरफ इसलिए घुमा रहे हैं ताकि चांद पृथ्वी के नज़दीक आ जाए, और पृथ्वी के चारों तरफ 5 चक्कर लगाने के दौरान चांद्रयान 2 चांद के बेहद नज़दीक आ पहुंच जाए। उसके बाद चांद की ग्रेविटी पावर से वह चांद की तरफ खिंचेगा, तभी इसरो वैज्ञानिक इसकी गति को नियंत्रित कर इसे चांद पर लैंड कराएंगे। आपका इस वीडियो को काफ़ी समय देने के लिए धन्यवाद। हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।